तो गाइस कुछ दिनों पहले हमने एक बनाई थी वाटर बॉटल रॉकेट, उसके अंदर हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको लॉन्च करने में, उसको उड़ाने में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एकदम इजी रॉकेट, कुछ कागज और कुछ पीवीसी पाइप और बॉटल का यूज करके। तो इसको बनाने में और देखने में दोनों में ही मजा आने वाला है और ये इजिली आप घर पर भी बना सकते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा A4 साइज का पेपर, ये कलरफुल पेपर है, थोड़ा जाड़े वाले लेना। ये एक पाइप की साइज को हम हमारे हिसाब से कट करेंगे आगे, और इसी पाइप के ये एल्बोज है, दो एल्बो ले रहे, 1.25 इंची का पाइप है तो उसके साइज से ये एल्बो लेना। टेप्स लगेगा और कुछ टूल्स लगेंगे, कटर कैंची और ये मार्कर वगैरह। तो चलिए फटाफट से इसको फिटिंग उडिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले रॉकेट बनाते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पाइप को आपको इसके पेपर के ऊपर फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, एक राउंड घुमाकर, और फिर उसको कट कर देना है कटर की मदद से। हम इसको कर देंगे कट। कट करने के बाद इसको मार देना है यहाँ पर बीच में एक बार ही टेप। सो गाइस इसी तरीके से हमें आगे और इसके जो ऊपर वाला कोई भी एक भाग को बंद कर देना है टेप की मदद से। सिखा देता हूँ आप लोगों को। तो एक तरफ का जो इसका एरिया है इसको कुछ इस तरीके से टेप से बंद कर देना है, एकदम अच्छे से यार टाइट करना, नहीं तो ये हवा लीक होगी तो हमारी रॉकेट सही से काम नहीं करेगी। तो गाइस यहाँ से हमने इसको एकदम अच्छी तरीके से पैक कर दिया। एक टेप कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है और इसी तरीके से एक टेप यहाँ पर बंद कर देना। चलिए फटाफट से इसको भी लगा देते हैं। गाइस यहाँ पर हमारी रॉकेट का जो मेन एरिया है वो बनकर कंप्लीट हो गया, यही मेन हमारी रॉकेट रहने वाली है। इसका शेप देने के लिए आप इस तरीके का बना सकते हो, इसकी टोपी और विंग्स वगैरह इसमें भी सेम लगा सकते हो। चलिए फटाफट से इसका जो लॉन्चिंग पैड है उसको बनाते हैं। तो गाइस इस पाइप में से सबसे पहले हमें 3 टुकड़े कट करने हैं, तो चलिए दिखाता हूँ क्या क्या। आप अपने हिसाब से इसकी साइज को कट कर सकते हो। सबसे पहले मैं लूंगा एक 12 इंच का। पर हमारे पास 3 पीसेस कट हो गए, एक 12 इंच का, एक 10 इंच का और एक है 4 इंच। तो इसको कैसे असेंबल करना है, सिंपल, कोई भी एक एल्बो लेना है और इस 12 इंच वाले पाइप को लगा देना है कुछ तरीके से। यहाँ पर 4 इंच वाले टुकड़े को लगाना है इसके बीच में इस तरीके से, फिर एक एल्बो लेना है इसको लगा देना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और जो 10 इंच वाला पाइप है उसको लगा देना है यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा लॉन्चिंग पैड। इसको आप ग्लू की मदद से एयर टाइट भी कर सकते हो, हम यहाँ पर टेप उप लगा देंगे। आप अपने हिसाब से इसकी जो डायरेक्शन उसको एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर रखना है तो ऊपर, साइड में रखना है तो साइड में। उसके बाद आप लोगों को ले लेना कोई भी एक खाली बॉटल, थोड़ा बड़ी साइज की लेना तो हवा हमारी ज्यादा रेडी होगी। और ये देख सकते हो आप, जो इसका पाइप और इसका जो ये डायामीटर है दोनों एकदम फिक्स इसके अंदर फिट आ जाते हैं। पूरा अंदर तक नहीं डालना, इतना तक रख देंगे तो ठीक है। और ये रही हमारी रॉकेट, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाती है, और जैसे ही हम फिर इसको दबाएंगे तो रॉकेट हमारी निकल जाएगी। चलिए एक बार इसकी एकदम अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। एक और को लगाते हैं, तो हमने थोड़ा अबकी बार क्रॉस कर दिया है, देखते हैं अब क्या होता है। मारू हो पतरे में गई, इससे पहले ये पतरे में गई। इसके अंदर एक फायदा ये, हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, ऐसे फूंक मार के फिर रेडी हो गई। ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सादा सिंपल, एक बॉटल है कुछ इस तरीके का, पाइप है ये, और इसकी हाइट आप देख सकते हो 60 फीट से ज्यादा ही जा रहे है ऊपर। चलिए एक बार और मारते है लात, अब एकदम दोनों पैर से कूदता हूँ। एक रॉकेट हमारी आ गई है रिटर्न, जो दोनों गई थी पतरे के ऊपर। गाइस एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो गाइस अब की बार हमने बहुत ज्यादा क्रॉस कर दिया इसको, तो चलिए एक बार और ऐसे ट्राई कर लेते हैं, लास्ट है।
एकदम सीधा परोस गई है। सो गाइस आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोगों को करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वीडियोस को देखने के लिए।